वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल। 2022 आईपीएल की ऑक्शन जस्ट अभी खत्म हुई है और सबसे पहले आपके लिए पूरी ऑक्शन की डिटेल्स और क्या हो सकती है आईपीएल 2022-2022 में, सभी 10 की 10 टीम्स की प्रोबेबल 11 जो होने वाली है 100% एक्यूरेट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कौन सा प्लेयर किसने कितने में खरीदा और क्या रहने वाली है 10 की 10 टीम्स की प्लेइंग 11। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्टार्ट होते ही लाइक करो, कमेंट्स करो बहुत सारे और बताना आप भी कि आपको क्या लगता है क्या क्या प्लेइंग 11 किस किस टीम की हो सकती है। इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी पूरी ऑक्शन की और साथ ही साथ अगर आप खेलते हो फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स पर, जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं आप खेलते होंगे, चाहे वो ड्रीम इलेवन चाहे वो कोई भी ऐप हो, चाहे बल्लेबाजी गेम जी कहीं पर भी आप खेलते हो, तो उसकी प्रिडिक्शंस और अनबीटन टीम भी आपको डेली मिल सकती है। आपको करना क्या होगा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब हम शुरू करते हैं क्या हुआ है इस आईपीएल 2022 की पूरी ऑक्शन में। सबसे पहले नजर डालते हैं हम मुंबई इंडियंस के स्क्वाड पर। मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो काफी बार जीतती हुई आ रही है, लेकिन इस बार इस टीम में बहुत चेंजेस हुए हैं। हार्दिक पांड्या नहीं है, क्रुणाल पांड्या नहीं है। पांड्या ब्रदर्स का ना होना मुंबई के लिए बहुत ही अलग चीज है, क्योंकि पांड्या ब्रदर्स ने ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट भी किया है मुंबई इंडियंस को कप उठाने की, दावेदारी हो चाहे कुछ भी हो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही थी मुंबई इंडियंस। तो अब बात करते हैं सबसे महंगा किसको खरीदा, इन्होंने लिया ईशान किशन को 15.25 करोड़ में। अगर बैट्समैन कैटेगरी में देखे जाए तो मुंबई के पास पहले से ही अच्छे खासे बैट्समैन थे, चाहे वो रोहित शर्मा रिटेन्ड प्लेयर हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव और पोलार्ड जो सिर्फ 6 करोड़ में ही रिटेन हुआ। अगर ये पोलार्ड को रिलीज करते तो पोलार्ड शायद सबसे महंगा प्लेयर हो सकता था इस आईपीएल ऑक्शन का, लेकिन ये 6 करोड़ में रिटेंशन के लिए खुश था और इसने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं एमआई से ही खेलूंगा चाहे वो भले ही मुझे कम पैसे दे। अगर बात करें और कौन महंगा था तो वो था टिम डेविड। टिम डेविड को भी बहुत महंगा खरीदा है मुंबई इंडियंस ने 8.25 करोड़ का, जहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि टिम डेविड को ये अपनी टीम में पक्का खिलाने वाले हैं, वरना किसी पे 8-8.5 करोड़ का खर्चना सेंस नहीं बनती है। अब यहां पे सिर्फ इनके पास दो ही अच्छे बैट्समैन निकल के आते हैं, एक ईशान किशन और एक टिम डेविड। मजे की बात यह है जो ब्रेविस है, आपने अगर इसके बारे में सुना हो तो इसको जूनियर एवी डिविलियर्स भी बोलते हैं, जिसे मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ में खरीदा है। यही अगर आप देखोगे बॉलर्स तो यहां पे मयंक मारकंडे, मुर्गन अश्विन, बेसिल थम्पी, जोफ्रा आर्चर, लेकिन ये इस साल अवेलेबल नहीं होगा, ये अगले साल भले ही इसको रिटेन करके खिला ले लेकिन इस साल जोफ्रा अवेलेबल नहीं है। टाइमल मिल्स और रायले मेरेडिथ, ये है इनकी बॉलर्स कैटेगरी। यहीं अगर आप देखोगे ऑलराउंडर में इनके पास पोलार्ड है जो रिटेन्ड है, डैनियल सैम्स को ये लेके आए हैं 2.60 करोड़ में, संजय यादव, अर्जुन तेंदुलकर को भी खरीदा है 30 लाख में, आर्यन, फैबियन एलन और ऋतिक शौकीन। ये बन जाती है मुंबई इंडियंस की कंप्लीट स्क्वाड, जिसमें अच्छा खासा फायर भी है, बॉलिंग अटैक भी अच्छा है, बैटिंग लाइनअप भी अच्छा है। अब देख लेते हैं क्या थे वो हॉट पिक्स जो मुंबई ने उठाए हैं और क्या हो सकती है मुंबई की इस आईपीएल की प्लेइंग 11। सबसे पहले एक बार नजर डाल देते हैं उन हॉट पिक्स पे जो मेरे को तो बहुत ही अच्छे लगे हैं। अब मुंबई का जो मेन अगर फंसे हैं ये कहीं तो ये जोफ्रा आर्चर को लेके ये फंसे हैं कि यार इसको अब हम खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे क्योंकि ये साल ये नहीं खेलने वाला है। वहीं देखें अगर टिम डेविड, टिम डेविड एक सिंगापुरियन क्रिकेटर है जिसकी परफॉर्मेंस बीबीएल बहुत अच्छी थी, पीएसएल में भी ये काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, इसी वजह से इसको इतना महंगा खरीदा है। और मिडल ऑर्डर अब इनके पास बचा नहीं है, एक फायर पावर जो होती थी हार्दिक पांड्या की वो टिम डेविड से ही एक्सपेक्ट करने वाले हैं। ईशान किशन सबसे महंगा प्लेयर और मजे की बात 15.25 करोड़ ले जाना मुंबई इंडियंस के लिए। मुंबई इंडियंस पहले ही तैयार थी, अंबानी इसका पैडल नीचे जा ही नहीं रहा था जब इसकी बोली लग रही थी जोफ्रा आर्चर। तो ये होती है इनकी हॉट पिक्स। अब बात कर लेते हैं इनकी प्लेइंग 11 की कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11। तो 2022 में जो मेरे को नजर आती है प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस की, रोहित शर्मा ओपन करने वाला है ईशान किशन के साथ, वन डाउन सूर्य कुमार यादव का ही रहने वाला है, तिलक वर्मा जिसको इन्होंने यहां पे आप देख सकते हो 2.25 करोड़ के करीब का लिया है तिलक वर्मा को। तो अगर इसको इतना महंगा लिया है तो हो सकता है इससे सेकंड डाउन बैटिंग कराई जाए, क्योंकि अब इनके पास सेकंड डाउन के लिए कोई अच्छा ऑप्शन बचता नहीं है। थर्ड डाउन हो जाता है टिम डेविड का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ हार्दिक पांड्या का रोल इससे यहीं करवाया जाएगा,
कायरन पोलार्ड अपने डाउन पे खेलेगा, कभी कभी जब टॉप थ्री अच्छा परफॉर्म करेगा तो हो सकता है तिलक वर्मा को ये नीचे डाल दें, डैनियल सैम्स को ये ले सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ फॉरेन प्लेयर्स कितने हो गए, एक फॉरेन प्लेयर हो गया है डैनियल सैम, एक फॉरेन प्लेयर हो गया है हमारा कायरन पोलार्ड। अब यहां पे टिम डेविड के साथ हो जाते हैं ये तीन फॉरेन प्लेयर, जो चौथा है या तो वो टाइमल मिल्स रहेगा या रायले मेरेडिथ रहेगा, क्योंकि चार फॉरनर ही आप अपनी टीम में खिला सकते हो। वहां पे जसप्रीत बुमराह, बेसिल थम्पी और मयंक मारकंडे, क्योंकि एक लेग स्पिनर के साथ ये हमेशा खेलते हैं, इस बार भी शायद ये मयंक मारकंडे के साथ ही जाएंगे, क्योंकि एक लौता लेग स्पिनर इनके स्क्वाड में है जो अच्छा खासा पहले से खेलता हुआ आ रहा है। तो ये रहने वाली है प्लेइंग इलेवन, अगर कोई चेंज होगा तो सिर्फ यहां पे चेंज हो सकता है, बाकी कंप्लीट ये सेम इलेवन के साथ जा सकते हैं, या फिर इंडियन बैट्समैन टिम डेविड की जगह ऐड करके मिल्स मेरेडिथ दोनों को ये खिला सकते हैं। डैनियल सैम्स को इसलिए खिलाएंगे, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आ जाता है बॉलिंग का भी बैटिंग का भी। तो ये हो जाता है मुंबई का स्क्वाड और मुंबई की प्लेइंग इलेवन। यहीं अगर आप देखोगे जब हम बात करते हैं, यहीं अगर आप देखोगे दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड, तो इनके रिटेन प्लेयर कौन थे, ऋषभ पंत था ऑलरेडी टीम का पार्ट, अक्षर पटेल को रिटेन किया, पृथ्वी शॉ को रिटेन किया, एनरिक नौरखिया को रिटेन किया। इनकी रिटेंशन मुझे बहुत पसंद आई थी, अगर कोई नहीं पसंद आया तो वो था शिखर धवन की रिटेंशन, क्योंकि उतना शायद ये पैसा नहीं दे पा रहे थे जिस वजह से इन्होंने शिखर धवन को ड्रॉप किया। लेकिन उसके बदले में जिस प्लेयर को इन्होंने उठाया है, याद है जब हैदराबाद से डेविड धवन की जोड़ी आती थी, डेविड वार्नर, बहुत ही तगड़ा पिक है ये दिल्ली का, सिर्फ और सिर्फ 6.25 करोड़ में। सरफराज खान को इन्होंने 20 लाख में लिया, लेकिन यहां पे सबसे बेस्ट पिक डेविड वार्नर ही मुझे नजर आता है, बाकी कोई दूसरा ऐसा खास बैट्समैन इन्होंने उठाया नहीं है। लेकिन इनके पास जो ऑलराउंडर ऑप्शन है वो है राममेन पावेल और मिचेल मार्श। मिचेल मार्श वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा, बिग बैश लीग का हिस्सा जिसने जीता है, पर्थ ने ही जीता था ये बिग बैश भी, तो मिचेल मार्श सबसे अच्छा पिक है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर आप देखोगे तो शार्दुल ठाकुर को इन्होंने 10.75 करोड़ में खरीदा, जो बिल्कुल ठीक दाम है, क्योंकि जब भी आप आईपीएल में खेल रहे होते हो आपको इंडियन फास्ट बॉलर्स चाहिए होते हैं अपनी टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि आप चार फॉरनर से ज्यादा खिला नहीं सकते हैं, जिस वजह से शार्दुल ठाकुर अच्छा पिक था। रहमान को इन्होंने 2 करोड़ में लिया, अब आप यहां देखोगे इन्होंने लेफ्ट आर्म बॉलर्स पे ज्यादा पैसा लगाया, चाहे वो रहमान हो, चाहे वो खलील अहमद हो, चाहे वो चेतन साकरिया। खलील को इन्होंने 5.25 करोड़ में खरीदा, साकरिया को 4.2 करोड़ में खरीदा, तो एक अच्छा लाइनअप दिल्ली का निकल के आता है। अगर आप बात करोगे दिल्ली की प्लेइंग इलेवन की कि क्या बनती है, तो मैं आपको दिखाता हूं जो सबसे बेस्ट प्रोबेबल इलेवन है दिल्ली की वो निकल के आती है ये। यहां पे दिल्ली का अगर ओपनर देखोगे आप तो वो हो जाता है डेविड वार्नर, जो पहले शिखर धवन खेलता था जिस स्लॉट पे, पृथ्वी शॉ और वार्नर ओपन करेंगे। वन डाउन के एस भारत को ये इसलिए खिलाएंगे क्योंकि के एस भारत ने आरसीबी से वन डाउन खेल के अच्छा खासा परफॉर्म किया था, जिस वजह से वन डाउन हो सकता है भारत का हो। मैं आपको बताऊंगा इसकी रिप्लेसमेंट भी क्या हो सकती है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ऑलराउंडर में जाएंगे मिचेल मार्श के लिए, ऋषभ पंत कैप्टन रहने वाला है, बहुत ऑब्वियस है क्योंकि रिटेन प्लेयर है, अक्षर पटेल रिटेन प्लेयर। बॉलिंग अटैक में इनके पास रहने वाले हैं शार्दुल ठाकुर, एनरिक नौरखिया, खलील अहमद, चेतन साकरिया। अब लेफ्ट आर्म स्पिनर इन पे ऑलरेडी है तो शायद ज्यादा स्पिनर के लिए ना जाएं, हो सकता है एक लेग स्पिनर को ऐड करें यहां से उठा के बॉलर डिपार्टमेंट में से, लेकिन इनके पास कोई एक ऐसा लेग स्पिनर है नहीं। खिला सकते हैं तो कुलदीप यादव को खिला सकते हैं, जब कभी पिच चेंज हो जाएगी, जब स्पिनर असिस्टेंस पिच होगी उस मोमेंट के लिए, उस मैच के लिए कुलदीप यादव को ही अंदर डाल देंगे, साकरिया खलील में से किसी को बाहर निकाल देंगे। अब बात आ जाती है मुस्तफिजुर रहमान और पावेल में से कौन खेलेगा। अगर पावेल खेलता है तो आप मान के चलो कि इसको ऊपर बैटिंग कराई जाएगी और हो सकता है के एस भारत को निकाल के एक इंडियन बॉलर डाल के ये लोग पावेल को खिलाएं, क्योंकि एक हिटिंग ऑप्शन भी हो जाता है और एक 6th 7th बॉलिंग ऑप्शन भी हो जाता है, क्योंकि पहले से ये 5 बॉलर हैं, छठा अक्षर पटेल है, या आप मान के चलो 6th बॉलिंग ऑप्शन ये पावेल को बना लेंगे। यहां से दिल्ली की लाइनअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है अगर पावेल इस टीम का पार्ट रहता है। इस तरीके से दिल्ली ने खरीदे इतने बेहतरीन प्लेयर। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली के बाद जो सबसे अच्छी फ्रेंचाइजी निकल के आई, जिसने अपनी ऑक्शन का जिसे बोलते हैं अच्छे से यूज किया है, कोई भी खराब पिक नहीं उठाया है, वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की एक खास बात जो मुझे लगी पूरी ही ऑक्शन में, ये प्रिपेयर्ड थे,
ये अपने साथ ऑलरेडी लेके आए थे कि भाई हमें ये प्लेयर उठाने हैं। जैसे इन्होंने अश्विन ले लिया 5 करोड़ का, रियान पराग को इन्होंने दोबारा वापस लाया है 3.8 करोड़ का, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा ये प्लेइंग 11 का हिस्सा रहने भी वाला है या नहीं। शिमरॉन हेटमायर की मुझे थोड़ी खराब लगी इसको 8.5 करोड़ में लेना, क्योंकि हेटमायर को अगर आप खिलाओगे तो या तो 2 डाउन 3 डाउन या बीच में ही कहीं खिलाओगे। टॉप ऑर्डर में तो आप इसको खिला नहीं सकते, क्योंकि टॉप ऑर्डर में इनके पास ऑलरेडी जॉस बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पड्डीकल, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर हैं। क्योंकि इन्होंने 3 जो रिटेन किए थे वो था जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन। उसके बाद इन्होंने बैट्समैन में रैसी वेंडर डूसान के साथ साथ डैरिल मिचेल का भी एड ऑन अपनी टीम में किया है। तो यहां से जो इनके बेस्ट पिक निकल के आते हैं वो है मिचेल, वेंडर डूसान, हेटमायर, पड्डीगल। पड्डीगल को खरीद गए इन्होंने, अपने दो ऑप्शन सिक्योर करें, एक ओपनिंग अगर यशस्वी जायसवाल नहीं चलता है तो इससे ओपन करा देंगे, या फिर ये याद है पहले बटलर को 2 डाउन 3 डाउन भेजते थे, हो सकता है जायसवाल के साथ ये पाडिगल को भी ओपन कराएं। यहीं अगर आप देखोगे ऑलराउंडर ऑप्शन में तो जेम्स निशम को इन्होंने खरीदा 1.5 करोड़ में, जो बहुत अच्छा बाय रहा है इनके लिए। लेकिन बॉलिंग में इन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी सबसे अच्छे बॉलर पर पैसा खर्चा है तो वह ट्रेंट बोल्ट, 8 करोड़ में उठाया। प्रसिद्ध कृष्णा 10 करोड़ में उठाया, क्योंकि मैंने आपको बताया इंडियन फास्ट बॉलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और लेग स्पिनर के बिना अपनी टीम को जिताना भी, जिस वजह से इन्होंने यूजी चहल को 6.5 करोड़ में उठा लिया। फास्ट बॉलिंग में देखोगे तो इन्होंने नवदीप सैनी, ओबेद मैकॉय, नेथन कुल्टरनाइल, इन सबको उठाया, और बिल्कुल सही इनका डिसीजन रहा है। इनकी ऑक्शन में जितनी भी पिक्स थे फास्ट बॉलर्स और स्पिनर को लेके, तो सबसे हेल्दी डिपार्टमेंट बॉलर्स का इन्होंने निकाला है। ऑलराउंडर इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन बैट्समैन, कीपर, बॉलर्स इनके काफी ज्यादा अच्छे हैं। यहीं अगर आप देखोगे कि क्या हो सकती है अब राजस्थान की प्लेइंग 11, तो हम एक बार उस पर भी नजर डाल देते हैं। राजस्थान की प्लेइंग 11 जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, देखो हॉट पिक्स तो इनके यही थे, पड्डीगल, हेटमायर, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट। अब बात करते हैं इनकी प्लेइंग 11 की। यशस्वी जायसवाल बटलर ओपन करेंगे, पड्डीगल 1 डाउन आ सकता है, संजू सैमसन का 2nd डाउन, फिर यहां से शुरू होती है इनकी परेशानी कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। जेम्स निशम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, फिर हेटमायर को ये नीचे लाएं हिटिंग के लिए तो इनके लिए काफी ज्यादा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि हेटमायर का रोल ही जब दिल्ली से खेलता था तो हिटिंग करने का ही होता था, उससे ज्यादा नहीं होता था। अश्विन एक ऑलराउंडर की तरह ही खेलेगा, बॉलिंग, ऑफ स्पिन भी करेगा और अपनी बैटिंग भी करेगा। अब यहां अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ आएगी, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, चहल, बोल्ट, अश्विन, ये 5 बॉलर तो होते हैं, इनके पास छठा ऑप्शन जो होता है वो आ जाता है जेम्स निशम का। फॉरेन प्लेयर इनके पास 4 है, जॉस बटलर, जेम्स निशम, हेटमायर, बोल्ट, तो यहां पे 4 फॉरेन प्लेयर्स भी आ गए, और एक बहुत ही सॉलिड प्लेइंग 11 भी राजस्थान रॉयल्स के लिए निकल के आ जाती है। अब अगर हम बात करें अपनी दूसरी टीम की जिसने ऑक्शन में काफी ज्यादा अच्छा किया है, वैसे तो ऑक्शन मेरे को सभी की पसंद आई, राजस्थान ने भी अपने अच्छे पिक्स किए थे, दिल्ली ने भी अच्छे पिक्स किए थे, पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर आप हैं क्रिकेट लवर, अगर आप फैंटेसी एप्स पे भी खेलते हो तो यहाँ पे आपको डेली टीम्स भी मिलेंगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैंटेसी काउंसिल का टेलीग्राम चैनल है, 1 लाख से भी ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनफैक्ट अब 1.5 लाख होने को आ गए हैं, तो आप ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको हमेशा टीम्स भी मिलेगी, डेली प्रिडिक्शंस मिलेगी जो बहुत एक्यूरेट है, और अगर आप ग्रैंड लीग भी जीतना चाहते हो तो हर हफ्ते हमारा फैंटेसी काउंसिल फैमिली मेंबर कोई ना कोई ग्रैंड लीग जीतता है, आप स्क्रीनशॉट्स इस चैनल पे देख सकते हैं। फैंटेसी काउंसिल कोई स्पेस नहीं है, कोई अंडरस्कोर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल है हमारे नाम से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही जाके ज्वाइन करें। चौथी जो हमारी तीसरी चौथी ऐसे जो टीम निकल के आती है वो है KKR, कोलकाता नाइट राइडर के रिटेन्ड प्लेयर बहुत क्लियर थे भाई, क्योंकि इनकी तरफ से ये दिनेश कार्तिक और आयन मॉर्गन को नहीं करना चाहते थे रिटेन, तो यहाँ पे जो इनके रिटेन प्लेयर थे आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण। अब यहाँ पे मजे की बात क्या आती है, इन्होंने 12 करोड़ में रसल को लिया, 8 करोड़ को में अय्यर को, और 8 करोड़ में चक्रवर्ती, और 6 करोड़ में सुनील नारायण। अगर इनकी बोली लगती तो शायद इससे महंगे जा सकते थे, अगर मैं वरुण चक्रवर्ती की ज्यादा बात ना करूँ तो, क्योंकि ये इतना शायद महंगा नहीं जाता। अब बात आती है सबसे बेस्ट बाय की, KKR की, जो हो सकता है फ्यूचर कैप्टन KKR का, वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को इन्होंने बहुत अच्छे दाम में उठाया, बैटिंग डिपार्टमेंट में अगर आप देखोगे इन्होंने अच्छा खासा पैसा खर्चा है,
नीतीश राणा पे 8 करोड़ खर्चा, अजिंक्य रहाणे पे 1 करोड़। यहां से इन्होंने सही टीम बना ली और अच्छा खासा हेल्स को भी ले लिया कि भाई बाय चांस अगर हमारा कोई ओपनर नहीं चला तो ये एलेक्स हेल्स से उसको रिप्लेस कर देंगे, या फिर हेल्स नहीं चला तो अजिंक्य रहाणे से रिप्लेस कर देंगे। इनके पास प्लान अच्छा था बैटिंग को लेके। अब अगर इनके ऑलराउंडर्स देखें, जिसमें ऑलरेडी रसल, अय्यर, नारायण है ही, इन्होंने ऐड किया चमिका करुणारत्ने को, जो अभी श्रीलंका की तरफ से एक हॉट फॉर्म में, अपने ओवर भी डाल रहा है, अपनी बैटिंग भी कर रहा है, हर जगह से पॉइंट दे रहा है। बाबा इंद्रजीत का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये TNPL खेलता था, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, जहां इसने अच्छा खासा परफॉर्म भी किया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने उठाया पैट कमिंस को 7.25 करोड़ में, शिवम मावी को भी सेम दाम में उठा लिया, टिम साउदी, उमेश यादव और रसिकदार। अब यहां से इन्होंने क्या किया, दो बंदे उठा दिए। देखो पैट कमिंस पिछली बार भी पार्ट था, लेकिन टिम साउदी इन्होंने इसलिए भी अपनी टीम में रखा हुआ है दोबारा से, क्योंकि टिम साउदी अगर कोई फास्ट बॉलर जिनके सबसे ज्यादा इंजरी होती है तो रिप्लेस करने के लिए उसे टिम साउदी एक परफेक्ट ऑप्शन निकल के आता है। अब अगर हम देखें कि इनके हॉट पिक्स क्या थे, इन्होंने क्या क्या सबसे बेस्ट पिक्स उठाए हैं और कौन है वो बंदे जिनको बिल्कुल मेरे हिसाब से सही पैसा पहुंचा है, तो सबसे पहले नाम आता है श्रेयस अय्यर का, क्योंकि इन्हें कैप्टन की जरूरत थी, इन्हें कैप्टन भी मिल गया है। वहीं अगर आप देखोगे नीतीश राणा, पैट कमिंस और शिवम मावी, बिल्कुल परफेक्ट इन्होंने अपना पैसा खर्चा है। अब देखते हैं इनकी क्या रहने वाली है प्लेइंग 11। वेंकटेश अय्यर, एलेक्स हेल्स या राणे में से कोई ओपन करेगा, वेंकटेश अय्यर का क्लियर स्लॉट है। मैं सोचता यही हूं कि एलेक्स हेल से ही ओपन करवाएंगे। वन डाउन रहने वाला है श्रेयस अय्यर का और कैप्टन भी यही रहने वाला है। सेकंड डाउन पे नीतीश राणा ने हर बार अच्छा किया है KKR के लिए, इस बार भी शायद KKR नीतीश राणा के लिए ही जाएगी। अगर एलेक्स हेल्स ओपन नहीं कर रहा है तो सैम बिलिंग्स आने वाला है यहां पे, और अगर रहाणे ओपन कर रहा है तो सैम बिलिंग्स, और अगर हेल्स ओपन कर रहा है तो सैम बिलिंग से हटके यहाँ कोई इंडियन बैट्समैन आ सकता है। सुनील नारायण का वही डाउन रहने वाला है। आंद्रे रसल फिर से अपना वही रोल देने वाला है जो ये अपना हिटिंग करता हुआ आता है, कभी भी इसको 10 से 12 ओवर के बाद ही भेजा जाता है, पहले नहीं भेजा जाता। बॉलिंग डिपार्टमेंट में पैट कमिंस, वरुण चक्रवर्ती एक स्पिनर, शिवम मावी, उमेश यादव फास्ट बॉलर। अब इनके पास फास्ट बॉलर कितने हो गए, उमेश, शिवम, पैट कमिंस, रसल पार्ट टाइम, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर भी कभी कभी फास्ट बॉल करा लेता है, लेकिन वो जब जब वो सात जब 5th या 6th बॉलिंग ऑप्शन हो, और वरुण चक्रवर्ती के साथ साथ सुनील नारायण है, तो इनकी टीम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। अब देखते हैं हमारी दूसरी टीम, जो अब जिसने बहुत अच्छी ऑक्शन उसने भी करी है। मैं बताऊंगा आपको किसकी मुझे कौन कौन से पिक्स खराब लगे, आप भी कमेंट में जरूर बताना कि हाँ भाई इस टीम ने, जो आपको लगता है आपकी एक ओपिनियन होगी कि हाँ यार इस टीम ने ये क्यों खरीदा, या फिर इस टीम में सबसे बेस्ट पिक आपके हिसाब से ये था। अगली टीम जो हमारी आती है वो है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसको सबको पता है कि इनका रिटेन प्लेयर विलियमसन है। डेविड वार्नर को इन्होंने ड्रॉप किया या डिच किया, आप जो मर्जी कह सकते हैं। अब्दुल समद को 4 करोड़ में, उमरान मलिक को भी 4 करोड़ में इन्होंने रिटेन किया। लेकिन जो इनकी सबसे खराब मुझे पिक लगी वो था निकोलस पूरन। भाई पूरन को 14.5 करोड़ कौन देता है? मेरे पास अगर इतना हो, मतलब कि भाई हाँ मैं अगर प्लान कर रहा हूँ ऑक्शन में जाने की, तो मैं पूरन को कभी, या आप भी शायद 14.5 करोड़ में नहीं लेंगे। अगर आपको कीपर ऑप्शन ही चाहिए इतना महंगा, तो आप जॉनी बेरिस्टो के लिए भी जा सकते थे। राहुल त्रिपाठी इन्होंने अच्छा उठाया 8.5 करोड़ में। फिर इन्होंने बैटिंग में ऐड किया ग्लैन फिलिप्स को, विष्णु विनोद को 50 लाख में उठाया, सौरभ दुबे को 20 लाख में उठाया। तो इनके पास बैट्समैन अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे विलियमसन, अब्दुल समद, अगर इसको रिटेन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसको खिलाने ही वाले हैं ये, वरना यहाँ पे निकोलस पूरन ही बचा है अब जो इनका कीपर ऑप्शन है, तो ये आप एक्सपेक्ट करो ये भी खेलेगा। राहुल त्रिपाठी को इतना महंगा उठाया तो एक ओपनर के तरीके पे ही उठाया होगा। ऑलराउंडर इनके अच्छे रहे, जिसमें रोमारियो शेपर्ड है, शॉन ऑबर्ट है, वॉशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा जो हमेशा से पार्ट रहा है, और एडन मार्करम। इनके ऑलराउंडर पिक ऑन पॉइंट है, और इन्होंने बैट्समैन से ज्यादा ऑलराउंडर पे फोकस्ड थे ये लोग। बॉलिंग डिपार्टमेंट में नटराजन को इन्होंने 4 में लिया, भुवनेश्वर कुमार को 4.25 करोड़ में, कार्तिक त्यागी जो पहले राजस्थान का हिस्सा था उसको 4 करोड़ में उठा के ले आए। अब एक लेग स्पिनर भी चाहिए था तो इन्होंने श्रेयस गोपाल को 75 लाख में ले लिया। तो हो सकता है निकोलस पूरन का जो प्राइस था इन्होंने यहां पे कंपनसेट करा, और काफी अच्छे से कंपनसेट किया। वहीं अगर आप देखोगे कि क्या हो सकती है इनकी प्लेइंग 11 और इनके हॉट पिक्स क्या थे, हॉट पिक्स कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि भाई
इन्होंने सबसे महंगे और सबसे बेस्ट पिक कौन से उठाए, वो होते हैं हमारे हॉट पिक्स। तो यहीं अगर आप देखोगे इनके हॉट पिक्स, 11.5 करोड़ में निकोलस पूरन, 8.5 करोड़ में त्रिपाठी, रोमारियो शेपर्ड जो बहुत ही अच्छा पिक था, वॉशिंगटन सुंदर 8.75 करोड़। अब बात करें अगर हम इनकी प्लेइंग 11 की, तो इनकी प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से रह सकती है। विलियमसन त्रिपाठी ओपन कर सकते हैं, वन डाउन रहने वाला है एडन मार्करम का, फिर निकोलस पूरन, क्योंकि भाई इतना पैसा दिया है तो निकोलस पूरन को ये रखेंगे ही रखेंगे, अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, रोमारियो शेपर्ड, भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, कार्तिक त्यागी और श्रेयस गोपाल। अब यहां पे ये या तो कार्तिक त्यागी या गोपाल किसी की बलि चढ़ा के ये खिला सकते हैं, तो जा सकते हैं ये उमरान मलिक के लिए, क्योंकि वो एक रिटेन प्लेयर है, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, और उसकी स्पीड ही एक ऐसी वजह है जो मुझे लगता है कि हाँ भाई उसको ये दोबारा खिलाएंगे। तो ये हो जाती है हमारी अब तक की ऑप्शन, जिसमें हमने 5 टीम्स कवर कर ली है। अभी एक और वीडियो है जो आप देख सकते हो, जिसमें बाकी 5 टीम को कवर किया गया है। तब तक आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, यूट्यूब सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो में आपको 5 टीम की कंप्लीट डिटेल्स मिली है। इससे अलग कुछ नहीं हुआ है ऑक्शन में, यही प्लेइंग 11, मोस्ट प्रोबेबली 99% से भी ज्यादा चांसेस हैं प्लेइंग 11 सेम रहने के आईपीएल 2022 में। अब बाकी 5 टीम आप कहाँ पे देखे, दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, जो आपको लिंक इसमें मिल जाएगा, और वो उसमें आरसीबी भी है, सीएसके भी है, तो आपके बहुत सारी फेवरेट टीम्स हैं, लखनऊ, गुजरात, क्या हो सकता है इनमें, वो भी आपको कंप्लीट डिटेल्स उसमें मिल जाएगी। बाकी तब तक ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्या लगता है आपको हो सकती है प्लेइंग 11 आपके हिसाब से, और कैसी लगी आपको ऑक्शन की पूरी डिटेल्स जरूर बताएं कमेंट में।